मेरा नाम है मिंटू, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। सर पहले दिन आईसीबी बोलिंग के एमएनसी का, दूसरी दिन भी सर सीपी और बोलिंग किया यूनिवर्सल से। सर कौन सा सीपी? सर यूनिवर्सल से किया था सर। तीसरे दिन सर चालू फोन से पावर ऐसे निकाला फिर लगाया और, सर तीन चार बार किया। सर चौथी दिन भी सीपी और बोलिंग किया चालू फोन से, तीन चार बार किया था सर। उसके बाद सर राम देव सर के साथ सर क्लास थी, पूरा आईसी के डायग्राम समझा सर, ये मैंने खुद गया है, ये एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ सर। ठीक है, करिए। इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? एशिया टेलीकॉम इस ग्रेट सर। तो अभी क्या करके बता रहे हैं? हाँ ठीक है सर, आईसी का जो डायग्राम है पहले आता है डी2डी से 4 वोल्ट, पहले आता है डी2डी से 4 वोल्ट जो C1 पे आ रहा है और इसी बीच में एक कॉइल लगा हुआ है जो स्विचिंग का काम करता है। ठीक है सर, और EN आ रहा है सर मेरा CPU से। सर चार मतलब CPU से मतलब कमांड आ रहा है सर, एक EN और मतलब सर A1 B1 और आ रहा है सर B2 और C2। ठीक है सर, और A जो लगा है A3 पे मेरा सर चार्जिंग पम्प है जो सर A3 से C3 तक जा रहा है। ठीक है सर, और सर एक मतलब E1 है ग्राउंड और B3 और E3 एक ग्राउंड के लिए सर एक कैपेसिटर के साथ लगा हुआ सर, और ए हमारा आउटपुट है सर VSP जो आउट हो रहा है सर मतलब प्लस 5 वोल्ट, और सर ए है A2 BSN ये सर -5 वोल्ट आउट हो रहा है सर। तो इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी भी बनती क्या बता सकते? हाँ सर फ्रीक्वेंसी बनता है। फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे नाप होगा सर? DSO से सर नाप के लिए। ठीक मोबाइल को थोड़ा वो दबा लेना, स्लिप मोड से हटा लेना। ठीक कोनी में लगाना, एक टच नहीं हो रहा कोनी में लगाओ, कोनी में इसी में कोने पे लगाओ। हाँ आ रहा है ये सर, फ्रीक्वेंसी का लाइन है सर जो मतलब वोल्टेज बैठ रहा है सर, मतलब स्वीपिंग हो रहा है सर, स्वीपिंग हो रहा है सर। यस सर, क्या बोलना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया, और देव सर के लिए सर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं फिर भी सर टाइम नहीं है, और सर पूरा टीम को सर थैंक यू सर। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सर रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके, और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर?
बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया करो? डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट